नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं कीवी बागीचों की स्थापना एवं प्रबंधन विषय पर। कीवी एक ऐसा फल है जिसके बारे में अधिकतर अभी आम जनता को इतनी जागरूकता नहीं है, क्योंकि ये फल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मॉल्स में, बड़ी बड़ी दुकानों में काफ़ी ऊंची दरों पर ये फल मिलता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जलवायु इस फल को रास आ गई है और यहाँ पर काफ़ी किसान इस ओर आकर्षित हुए हैं, काफ़ी बागवान इस ओर आकर्षित हुए हैं और उन्होंने अपने यहाँ पर कीवी की खेती करनी अब शुरू कर दी है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज उपस्थित हैं राजेश जी, जो कि एक प्रगतिशील किसान है, बागवान है। इनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन्होंने कीवी के फलों के बारे में सोचा कि मैं इस ओर आऊं, अपनी आर्थिकी को बढ़ाऊं, और कहां से इन्होंने प्रशिक्षण लिया, इनका बैकग्राउंड क्या है, आज हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो राजेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहले थोड़ा सा आपने अपने बारे में बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम राजेश ठाकुर है और मैं यहाँ शिमला शहर से सटी एक गिर पंचायत के तहत आने वाले ग्राम छड़ोक का स्थायी निवासी हूँ जी। एंड जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मेरा प्रारंभिक शिक्षा सोलन से हुई है, तत्पश्चात ग्रेजुएशन भी मेरी सोलन से हुई है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने IIT टीम ग्वालियर से MTA किया है, मास्टर्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन जी। तो ये मेरी एजुकेशन है और उसके बाद कुछ समय तक मैंने दिल्ली में जॉब किया है, प्राइवेट सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में। तो ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जिसने कि आपको इस ओर आकर्षित किया कि मुझे अब जो कीवी का जो फल है जी, इसे अपने यहाँ पर उगाना चाहिए और अपनी आर्थिकी को बढ़ाना चाहिए और अपने आसपास के जितने भी जो बागवान हैं या किसान लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाऊँ मैं जी। देखिए, प्रेरणा का ही जहाँ तक बात है, तो जैसे मैंने बताया, मैं जब दिल्ली में जब जॉब कर रहा था तो कभी कभी जब हम घर आया करते थे तो हमें फिर ये महसूस होता था कि कैसे हम यहाँ की जो इतनी स्वच्छ जलवायु को छोड़ करके दिल्ली जैसी पॉल्यूटेड सिटी में वहाँ पर रह रहे हैं, इतनी पॉल्यूटेड और क्राउडेड सिटी में रह रहे हैं, तो वापस आने का काफ़ी मन होता था कि कहीं यहीं पर आके कुछ किया जाए। लेकिन फिर मन में सवाल होता था कि करेंगे क्या, करें तो करें क्या सर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है जी जी जी। तो रोजगार के बारे में हम सोच रहे थे कि क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है कुछ पुश्तैनी जमीन गांव में पड़ी हुई है जो कि फालतू हो जी जी जी, मतलब उस पर कुछ हो नहीं रहा था कल्टीवेशन, तो सोचा इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। फिर हमने थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया कि हमारे इस एरिया में क्या हो सकता है जी। तो करते करते फिर हमने डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में भी थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया, तो देखा कि हमने कीवी जो है हमारे जलवायु के हिसाब से यहाँ पे जो है ये हो सकती है जी जी। तो इसके बारे में फिर हमने जो एक एक्सपर्ट्स है नॉन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, वहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत की कि हम इसको ये करना चाहते हैं और इस किस तरह से करें। तो फिर यहीं से ये सफ़र स्टार्ट हुआ और आज 4 साल हो गए हैं हमने इसको, जब बगीचे को एस्टेब्लिश किए हुए। क्या बात है राजीव जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आपने अपने बारे में विस्तार से बातचीत की। अब बात करते हैं कीवी के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जो कि हर जगह नहीं उगता है जी। इसके लिए जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये मिडल हिल वैलीज में मोस्टली होता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कीवी होती है वो न्यूजीलैंड में होती है जी। बिल्कुल सही, दुनिया की सबसे ज़्यादा जो 70% जो कीवी होती है वहीं पर इसका उत्पादन होता है जी। अब तो हमारे देश में भी जितने भी हिली एरियाज हैं वहाँ पर इसका उत्पादन, बागवानी से आकर्षित हो रहे हैं जी। आपने किस, जैसे 4 साल पहले जो शुरू किया, कितने पैसा लगाया आपने, सबसे पहले ये बताया कि कितनी आपने आर्थिकी के रूप में इसको शुरुआत की आपने इसकी। देखिए, जहाँ तक आर्थिकी और इसके खर्चे की बात है, तो टोटल एरिया वाइज तो नहीं, अगर जैसे हम करें तो मतलब पर प्लांट अगर हम देखें तो लगभग उस समय में जो कॉस्टिंग आती थी वो लगभग 2500 रुपये पर प्लांट के हिसाब से आती थी जी। जिसमें कि आपका ट्रॉली सिस्टम, जो अपना लोहे के जो उसमें सपोर्टिंग सिस्टम लगता है, प्लस प्लांटिंग मटेरियल एंड लेबर जो यूटिलाइज होती है, तो लगभग इतना खर्चा उस टाइम पे आता था। बट क्योंकि अभी थोड़ा सा लोहे के रेट बढ़ गए हैं तो मेरे ख्याल से 3000 से 3500 रुपये पर प्लांट के हिसाब से वो इसमें खर्चा आता है।
चलिए, हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी आज बहुत जिज्ञासा हो रही है कि हम कीवी के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक लेमैन हूँ, एक आम बागबान हूँ, एक आम किसान हूँ, मुझे कीवी अपने यहाँ पर शुरुआत करनी है, लगानी है, मुझे इसके लिए क्या कुछ करना होगा, कहाँ से मुझे इसके पौधे मिलेंगे, कहाँ से कैसी मिट्टी चाहिए इसके लिए, कितना पानी चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, थोड़ा सा विस्तार में बताएं हमारे। जी, सबसे पहले तो हमको ये देखना, अगर आप कीवी का बगीचा लगाना चाह रहे हैं तो आपको देखना है कि आपकी जो जलवायु उसके लिए जो है कंड्यूसिव है या नहीं है। तो उस पर सबसे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है ये कि आपका जो उसको चिलिंग आवर्स जिसको मिलने चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि जो 7 डिग्री से जो नीचे टेम्परेचर जो है जब रहता है सर्दियों में, तो उसे हम चिलिंग आवर्स कहते हैं। तो वो चिलिंग आवर्स जो 700 से 800 घंटे के पर ईयर उसको मिलने चाहिए। लगभग सेब के बागीचों को भी इतने ही चाहिए, 800 घंटे चाहिए। जी लगभग, कुछ एक वेराइटीज सेब की ऐसी कि उनको थोड़ा सा हायर साइड पे चाहिए होता, लेकिन कीवी के लिए ऐसा नहीं, कीवी के लिए नहीं। एंड सेकेंड थिंग इसका एलिवेशन का है, तो एलिवेशन अगर हम बात करें तो ये मिड हिल्स में यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है। एंड 800 से 1500 मीटर तक जो इसके लिए एक बहुत ही कंड्यूसिव रहता है। जी, एंड उसके बाद बात आती है मिट्टी की एंड जो साइट सिलेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसके इसके लिए जो है ना डीप सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है। सॉइल जो आपकी डीप होनी चाहिए, शैलो नहीं होने, मतलब नीचे रॉकी नहीं होना चाहिए। जी, सेकेंड थिंग इज वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, उसमें वाटर लॉगिंग ना हो, पानी इकट्ठा ना होता हो, एंड कार्बन मैटर उसमें अच्छा हो जी मिट्टी में। और इसके अलावा ये देखना है कि जो साइट आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर बहुत तेज हवाएं ना चलती हो, क्योंकि हवाएं जो है जरूरी है। हवाएं जो है इसको बहुत नुकसान करती है। जी, एंड इरिगेशन की फैसिलिटी आपको वहाँ पे होनी चाहिए, पानी, क्योंकि इसकी जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए, ये तो एक मूलभूत जो चीज़ें हर एक बागबान को जो इस ओर आकर्षित हो रहा है जी, जिसने अपना ये बगीचा लगाना है कीवी का, ये मूलभूत चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी ने इस ओर आकर्षित होने के बाद प्रश्न ये उठता है कि उसे कीवी का बीज लगाना है या फिर इसकी कटिंग लगानी है, इसके पौधे नर्सरी से मिलेंगे, यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, आम आदमी को तो पता नहीं है क्योंकि बहुत लिमिटेड सी अभी इसकी नर्सरीज हैं। जी, देखिए बीज से भी इसको उगाया जा सकता है, लेकिन जो प्रचलित जो इसका प्रोपोगेशन का जो तरीका वो कटिंग से होता है। एंड लेकिन अगर खुद से आप कटिंग प्रोपोगेट करोगे तो उसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो सकता है, सो बेटर रहेगा कि आप किसी नर्सरी से इसको लें। यहाँ पे अगर हिमाचल की बात करें तो नौनी विश्वविद्यालय भी इसको प्रोवाइड करवाता है। जी, जी। और इसके अलावा आपके जो केवीकीज हैं आपके रीजन में किसान विकास केंद्र, उसके थ्रू भी इसका वितरण किया जाता है। एंड इसके अलावा देखे तो बहुत सारी प्राइवेट नर्सरीज भी हैं जहाँ से आपको इसको इसके प्लांट्स प्राप्त कर सकते हो। जिसका प्लांट, एक प्लांट कितने का मिल जाता है? देखिए 150 से 250 रुपए तक अभी इसकी मार्केट में जो वैल्यू वो चल रही है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आपने ये कृषि अपना कीवी का अपने फल लगाने जब शुरू किया, आपने इसके पौधे लगाए जी, तो आपके मन में सबसे पहले ये कैसे आया कि मैं लगाने तो जा रहा हूँ इसको, अब ये पता नहीं मुझे फल देगा नहीं देगा, कितने समय बाद देगा, मैं इसमें कामयाब हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा? क्योंकि आप तो कामयाब हो पाए हैं जी, जो हमारे दूसरे किसान बागवान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अब आपकी बात से आज वो जरूर आकर्षित होंगे, वो भी कीवी के जो बगीचे हैं इस ओर चल पड़ेंगे, वो भी कि हमें भी जरूर लगाना है क्योंकि फल बहुत महंगा है ये। जी जी जी, इस तरह का संशय तो मन में रहता है, लेकिन वही कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको आपको जो है थोड़ा उसके बारे में पहले स्टडी करें और जो विशेषज्ञ हैं उनसे एडवाइस जरूर लें। जी, हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश में इतनी एडवांस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बड़े इतने साइंटिस्ट जो है इस विषय पर काम कर रहे हैं, तो उनसे एक बार एडवाइस जरूर लें। अच्छा, आपने कितने पौधों से शुरू किया था, कितने पौधे लगाए आपने? जी, मैंने पहले ट्रायल के तौर पर 15 प्लांट्स मैंने लगाए थे, फिर हमने देखा कि वो अच्छा उसमें ग्रोथ आ रही है जी, तो उसको मैंने बढ़ा करके अभी मेरे पास 120 प्लांट्स हैं। 120 प्लांट आपके पास आ गए हैं, तो उसमें अभी फल देना उसने शुरू कर दिया है या सैंपल आने शुरू हो गए हैं उसमें? जी हाँ, उसका थर्ड, इस साल मेरा फोर्थ लीफ है, तो इस साल हम काफ़ी क्रॉप उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लास्ट ईयर भी मेरे को उसमें सैंपल आ गया था। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि जब मैंने कहीं से किसी नर्सरी से कीवी का मैं पौधा लेके आ गया जी, अब उसके बाद मुझे कितने फीट का, कितने बाई का, 4x4 का, 2x2 का गड्ढा करना है, उस गड्ढे में कितनी किस तरह की मिट्टी डालनी है, क्या खाद डालनी है, कौन कौन सी दवाई का छिड़काव करना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, इसका जहाँ तक गड्ढे का सवाल है जी, यहाँ पे इसमें लगभग 3x3 का गड्ढा पर्याप्त रहता है,
एंड ये गड्ढा जो है अक्टूबर से नवंबर मंथ में आपको कर देने चाहिए अगर आप बगीचा लगाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि इसका प्रॉपर सोलराइजेशन भी हो जाए। जी तो अक्टूबर नवंबर में गड्ढा करने के बाद इसको आप फिर एक महीना करीब सोलराइजेशन करिए, उसके बाद इसको फिल करिए फार्म यार्ड मैन्योर जैसा गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद, इसमें पर गड्ढा 20 से 25 के जी पर गड्ढा के हिसाब से उसमें मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसको फिल करने के बाद आप जनवरी से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आप जो है इसमें प्लांटेशन कर सकते हैं। जी 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 वैसे तो मैंने कहीं पढ़ा भी है कि जो कीवी का जो फ्रूट है, जो कीवी फ्रूट है जी, ये इसमें बहुत विटामिन रहते हैं, विटामिन इसमें B12 भी है, B2 भी है, B6 भी है, विटामिन के भी है, विटामिन सी है, और बहुत सारी बीमारियों में भी ये काम आता है। जी फ्रूट तो ऐसा है, कीमत भी इसकी काफी अच्छी मार्केट में मिलती है, लेकिन समस्या ये है कि अब हम इसका जो जब हम स्थापना करते हैं या इसका हम रख रखाव करते हैं, प्रबंधन करते हैं, वो कैसे हो उसके लिए हम जानकारी नहीं है, तो उसके लिए कहाँ से प्रशिक्षण मिलेगा, आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया, अगर कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया है, हमारी बातचीत को ही देख के कोई शुरुआत कर ले तो किस तरह से वो शुरुआत कर सकता है फिर? जी इसमें मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कमर्शियल कोई बगीचा प्लान कर रहे हैं तो कोई एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें, और हो सके तो कोई बगीचे पहले विजिट करिए जहाँ पे पहले से वेल एस्टेब्लिश बगीचे हैं, एंड आपके माध्यम से मैं इनवाइट करता हूँ, अगर कोई आकर के देखना चाहे तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं और देख सकते हैं। जी 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 एंड लेकिन जहाँ तक इसके मैनेजमेंट की बात है तो इसका मैनेजमेंट स्टेज वाइज होगा। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर आपने लगाया है प्लांट, जब आप लगाते हैं तो फर्स्ट ईयर का मैनेजमेंट अलग रहेगा, दूसरे साल अलग, थोड़ा अलग होगा, तीसरे वही, साल वही, वही अलग जानकारी हमें। तो फर्स्ट ईयर में जो मेन हमारा जो काम रहता है, जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसका ट्रेनिंग का जो मेजर उसमें रोल रहता है, ट्रेनिंग में ये है कि जो हमने पौधा लगाया है उसको पहले 6 फीट तक सीधा लेके जाना है जी, उसको कहीं कर्लिंग नहीं होने देना है, बिकॉज उसका एक क्लाइंबर है, एक बेलनुमा इसका पौधा होता है जी, तो इसकी एक प्रवृत्ति है कि ये लिपटने लताओं की तरह चढ़ता है। हाँ जी हाँ जी जी तो वो आपने उसको कर लेंगे। हमारे दर्शक इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर भी बार बार देख रहे होंगे कि आप तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जी जी। कि जो कीवी का जो फ्रूट है, देखिए इस समय आप दर्शक हमारे अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये फल लग रहा है जी जी। ये गहरे ब्राउन रंग का है, इसमें हल्के हल्के बाल भी हैं, और खाने में भी ये काफी खट्टा मीठा रहता है जी। बिल्कुल जी सी, देखिए जहाँ तक अपीयरेंस की बात है, कीवी का जो एक फल है ये एक चीकू की तरह दिखने में होता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस ये रहता है कि इसका कीवी के जो स्किन है उस पर थोड़े से हेरी बाल होते हैं बाहर से, और थोड़ा आकार में भी ये चपटा और थोड़ा एलोंगेटेड होता है एज कम्पेयर टू चीकू। अच्छा राजेश जी, एक चीज़ और, जिस तरह से आम जो दूसरी फसलें होती है, चाहे वो सेब की फसल है या फिर कोई और फ्रूट की फसल है, उस पर स्प्रे करने की बहुत ज़रूरत रहती है, तो इस पर भी कोई स्प्रे वगैरह इत्यादि हम कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए कीवी की तरफ मेरा जाने का एक ये भी एक कारण था जी, कि इसमें जो है ना स्प्रे बहुत ना मात्र होती है जी, इसमें कोई बीमारी नहीं, इसमें जो बीमारियों की तरफ जो एक नेचुरल रेजिस्टेंस रहती है जी, तो इसमें बीमारियां बहुत कम लगती हैं, बहुत कम लगती हैं, और इसमें पेस्ट और कीड़े भी कोई अटैक नहीं करता, यहाँ तक कि एक जंगली जानवर जो कि बंदर बंदर और जी, जी, जी। इस तरह के जो जानवर है वो भी इस पे अटैक नहीं करता। देखिए हमारे दर्शक देख सकते हैं कि इस समय टोकरी में कितना खूबसूरत देखने में ये फल लग रहा है कीवी का, और अभी तो जब आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे और एक बार जब आप इसका स्वाद चख लेंगे आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये फल कहीं ना कहीं जरूर मिल जाए, जी, मिल जाए। तो क्योंकि हम भी कई बार जाते हैं तो कई बार ढूंढते हैं तो पता लगता है कि एक जो कीवी का जो फ्रूट है जी, वो हमें 100-100 रुपए में 150-150 में मिलता है, एक डिब्बे में लगभग 12-15 पीस होते हैं वो, क्योंकि काफी महंगा फल है, तो हम सोचते हैं कि शायद इसमें मेहनत भी उतनी ही है, तो इसमें मेहनत कितनी है फिर? देखिए मेहनत जहाँ तक बात करिए तो मेहनत इसमें सिर्फ इसकी मैनेजमेंट में है, बाकी आपको अगर बात करें एज अगर कंपैरिजन आप करें दूसरे फ्रूट जैसे कि एप्पल की अगर आप बात करें तो एप्पल में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप कीवी लगाना चाह रहे हैं तो इसमें जो आपका जो मेजर जो फोकस रहता है वो ट्रेनिंग और प्रूनिंग पे रहता है जी। अगर आप वो अच्छे से कर पा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें आप जो है सक्सेस नहीं हो सकते इसके प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें भी अलग अलग किस्में होती होंगी, इसकी भी कीवी की भी अलग अलग किस्में होती होंगी, हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन सी किस्म सबसे पॉपुलर है यहाँ पर, प्रसिद्ध है यहाँ पर? जी हमारे एरिया में जो है हिमाचल में एलिसन सबसे ज्यादा उगाया जाता है जी, और अगर इसमें कमर्शियल वैरायटीज की बात लें तो एलिसन और हेवर्ड ये दो वैरायटी हैं जिनकी जो कमर्शियल वैल्यू काफी ज्यादा है और कमर्शियली यही उगाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास और वैरायटी जैसे ब्रूनो है, मोंटी है और एबॉट है,
तो ये सब भी वैरायटी है। और मेल में हमारे पास टेमोरी और एलिसन वैरायटीज अवेलेबल। हमारे दर्शक इससे मैं देख पा रहे होंगे कि देखिए ये अलग अलग वैरायटीज हम दिखा भी पा रहे हैं उन्हें। अब मुझे तो नहीं पता है कि ये तो आप बता सकते हैं कि आप टीवी स्क्रीन पर देखिए जरा कि ये एक वैरायटी है, ये शायद टोमिरो है, एक वैरायटी है ये जी। तो इसको उगाने के लिए जो इसके पौधे हैं, क्योंकि इसमें भी मेल फीमेल रहते हैं इसमें भी जी जी जी, तो जब हमने किसी नर्सरी से पौधे लिए हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा? एक बात मैं दर्शकों को और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा पौधा है जो कि फीमेल जी वही पौधा इसमें आपको फल देता है जी। तो आप कहीं से 100 पौधे लेके आ गए जी, और 100 पौधे में से आपने 20 पौधे अगर मान लीजिए कहा है कि मुझे फीमेल चाहिए, 100 के 100 दे दिए, तो फिर तो आपकी सारी की सारी बेकार होगी, क्योंकि आपको तो 4-5 साल बाद पता चलेगा जब उसमें सैंपल आएगा। हाँ जी, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि मेल फीमेल कैसे है फिर ये? देखिए मेल फीमेल की अगर पहचान की अगर बात करें तो इसको शुरुआती स्टेज पे पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए अगर जहाँ से भी आप प्लांट्स प्रोक्योर कर रहे हैं तो एक तो विश्वसनीय हो और रजिस्टर्ड नर्सरी हो, और जहाँ तक पहचान कर पाने की बात है तो इसकी पहचान आप सिर्फ तभी कर पाओगे जब इस पर फ्लारिंग आती है, तो फूल से ही इसकी पहचान की जा सकती है। और तो इसका कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है ना, जब विश्वपूर्ण आप जहाँ पे आपका विश्वास हो विश्वसनीय और रजिस्टर्ड नर्सरी से, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसमें मैं आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी जी, हमने जब ये प्लांटेशन की थी सेकेंड टाइम में, जो 92nd फेज में 90 प्लांट्स हमने कहीं से लिए थे, तो उसमें आमतौर पर जो रेशो रिकमेंडेड है तो मिनिमम उसमें 9 प्लांट्स मेल के होने चाहिए थे। तो हमने लगाए उसको 3 साल तक हमने पाला, जब उसमें फ्लारिंग आई तो हमें पता चला कि उसमें सिर्फ 2 ही प्लांट जो है मेल के हैं, बाकी सारे फीमेल हैं। जी 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 जी, तो उसमें हमें काफी लॉस हुआ। बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी फिर है। हाँ जी, तो इसमें जो है ये कहने का ये कि बिल्कुल जो विश्वसनीय आपकी जहाँ पर नर्सरी हो आप वहीं से प्लांट्स लें। समय समय पर हमारे प्रदेश में तो क्योंकि नौणी यूनिवर्सिटी है सोलन के अंदर जी, वहाँ पर विशेषज्ञ बैठे हैं, तो विशेषज्ञों से सलाह भी ली जा सकती है जी, बिल्कुल। और कोई आम किसान है, आप जैसे प्रगतिशील जो बागबान है किसान है, उनसे आके मिल भी सकते हैं कि किस तरह से इसकी खेती की जाए, किस तरह से इसका फ्रूट लिया जाए। मतलब 3 साल के बाद जैसा कि आपने कहा इसका फूट आना शुरू होता है, जैसे सर्दियों के अंदर इसमें जब पाला पड़ जाता है तो इसको किस तरह से फिर इसकी देखभाल होती है फिर? देखिए कीवी जो है एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे पाले में इसको कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट जो विंटर के जो काम है वो करने जरूरी है, जो उसका मैनेजमेंट है, लाइक जैसे हम सर्दियों में जैसे दूसरे फ्रूट के तौलिए बनाते हैं उसमें फर्टिगेशन जो अप्लाई करना है, गोबर वगैरह अप्लाई करना, और दूसरा जो कटिंग का जो मेजर पार्ट रहता है जो सर्दियों में काम करने वाले होते हैं जी। अच्छा राजेश जी, इसमें एक और बात भी है, अगर आपने कहीं पर अपने ये पौधे लगाए हैं कीवी के तो आपके पास जगह खाली बच जाती है, तो वहाँ पर आप दूसरी फसलों को भी लगा सकते हैं फिर? जी बिल्कुल, इंटरक्रॉपिंग आप उसमें कर सकते हैं, विशेषकर जो सर्दियों में उगने वाली जो सब्जियां हैं। दर्शक इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से जो कीवी के जो पौधे होते हैं जिसकी बेलें होती है किस तरह से लगाई जाती है। देखिए आप राजेश जी, देखिए इस समय टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को ये दिखाया जा रहा है कि खंभे लगे हुए हैं प्रॉपर जैसे आप लोग लगाते हैं जी, और किस तरह से ऊपर ही ऊपर सारा ये रहता है जी जी जी, और नीचे जो खाली जगह बचती है वहां पर आप कोई दूसरी जो फसल है जी उसे आप लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। हाँ देखिए, जब ये ग्रोइंग सीजन फ्रूटिंग सीजन में होता है तब तो शायद उसमें आप फसल नीचे नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऊपर से बहुत शेडी हो जाता है जी जी, इसमें इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो नीचे पूरा शेडी हो जाता है जी। लेकिन सर्दियों में जब ये अपने लीव्स शेड कर देता है तो ऊपर से सनलाइट इसकी पूरी नीचे आती है, तो आप सर्दियों की फसल उसमें नीचे ले सकते हो, जैसे मटर है। और मटर का बेनिफिट ये भी रहता है कि वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है जो कि आने वाले समय में जो आपके ये कीवी के लिए भी बेनिफिशियल होगा जी जी जी। तो जी, इस तरह की सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल बीन या बीन हो गई या मटर हो गई तो आप ये सर्दियों में उसमें ले सकते हैं। अच्छा राजेश जी, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि इतना महंगा फ्रूट है तो इसकी जो ग्रेडिंग पैकिंग भी जैसे आम सेब की होती है इसमें भी ऐसी होती है कुछ क्या? जी बिल्कुल, इस तरह से होती है, लेकिन अभी हिमाचल में आप जैसा कि जानते हैं कि थोड़ा फ्रूट नया है, अभी बागवान इतना उसको नहीं कर पा रहे हैं उतना, मतलब है लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके में लोग इसको अभी उगा रहे हैं, तो जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो अभी ग्रेडिंग एंड पैकिंग की जो मशीनरी जो लगती है वो अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, और लोग अपने स्तर पर ही इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं और हाँ इसकी पैकिंग के लिए मार्केट में जो कार्टन बॉक्सेस अवेलेबल है तो आप उस तरह से। जैसे अभी आपने कहा कि आपके पास 120 प्लांट हैं, तो आगे फ्यूचर में
और कितने प्लांट आप लगाने की सोच रहे हैं, कितने एरिया में इसको बढ़ाना चाहते हैं आप? जी, मेरे पास जितना अभी जितना लैंड अवेलेबल था फ्री, उसमें मैं ये ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो अभी एक्सपेंशन का तो प्लान नहीं है, क्योंकि इसके अलावा मेरे अब एप्पल की भी मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ, तो सेब के बगीचे भी लगे। सो देखिए, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मेरे हिसाब से ज़रूरी है। आप कोई भी कर रहे हो तो एक क्रॉप पर डिपेंडेंट ना रहें। जी जी जी। तो जो सेब वाले हमारे बागवान भाई हैं, तो उनसे भी कहेंगे कि अगर उनके पास खाली ज़मीन है तो आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, कीवी को भी लगाएं, उसके अलावा स्टोन फ्रूट भी लगाएं। जी 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 तो जी, जी ताकि जो कॉन्स्टेंट इनकम आपकी चली रहे। जी जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि जो इसका कीवी का जो फ्रूट जो फल है जो ये, इसमें कब फूल कब लगते हैं इसमें? मैंने ऐसे सुना है कहीं पे कि शायद मई के प्रथम सप्ताह में इसमें फ्लावरिंग आ जाती है। जी जी जी। और कब तैयार हो जाता है फिर ये? देखिए, इसमें जहाँ तक फूल का सवाल है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि मई के फर्स्ट वीक में इसमें फ्लावरिंग आ जाती है। एंड जो हार्वेस्टिंग का है, इसमें लगभग मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक जो इसमें हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार हो जाता है। जी। अच्छा, जब फ्लावरिंग आती है, जिस तरह से सेब में क्या होता है कि उस समय स्प्रे करनी पड़ती है जी, पिंक बर्ड स्टेज पर जी, तो इसमें भी ऐसा कुछ रहता है? जी नहीं, इस पर इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है किसी भी तरह की स्प्रे की। हाँ, लेकिन इसमें हैंड पॉलिनेशन का या फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का एक बहुत रोल रहता है। जी जी जी। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, तो ये टेक्नोलॉजी खैर इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन फॉरेन में रहता है कि वो फ्लावरिंग के टाइम में जो है वो पोलन इकट्ठा करके मेल का वो उसमें आर्टिफिशियल बम्बार्डमेंट उसमें करते हैं। जी जी। तो वो एक पॉलिनेशन के लिए एक प्रक्रिया रहती है उनकी, लेकिन अभी इंडिया में ये जिस तरह से सेब के बागीचों में तो हमने देखा कि आर्टिफिशियल वहाँ पर हम मक्खियाँ जो डिब्बे हैं मधुमक्खियों के वहाँ पर हम लेके आते हैं, तो इसमें भी इस तरह की क्या कोई ज़रूरत रहती है? जी बिल्कुल, इसमें आप रख सकते हैं और ज़रूरत रहती है, बट जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि इसमें नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता इसके फूल में, तो मक्खियाँ इसकी तरफ मतलब कम अट्रैक्ट होती है, तो हैंड पॉलिनेशन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है। राजेश जी, हमारे जो बागबान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इसको लगाते हैं तो किस अनुपात में लगाते हैं, यानी कि आपने 3 लगाए 5 लगाए, उसके बाद जैसे आपने कहा कि मेल फीमेल होता है, फिर इसका वो लगाया में छठा लगाया जाए, 7वां लगाया जाए, तो ये क्या रेशो क्या रहता है जी? इसमें जो रिकमेंडेड रेशो है 8:1 है, एक 8 फीमेल प्लांट लगेंगे, उसके बाद जो है एक मेल प्लांट लगेगा। जी 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 जी। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि जो बहुत सारे आपकी तरह जो पढ़े लिखे जो प्रगतिशील किसान है इस ओर आ रहे हैं अपनी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, आज की जो जानकारी है उनको वाकई बहुत अच्छी लग रही होगी। कुछ खास बात आपको ऐसा लगता है कि बागबानों को कीवी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वो ऐसी कौन सी बात है वो? देखिए, कीवी एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं जी, और मैं समझता हूँ कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है जी। इंडिया में इसके डे बाय डे डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि लोगों को इसकी गुणों के बारे में पता लग रहा है, तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो एक बहुत अच्छा स्वरोजगार का एक ये विकल्प युवाओं के लिए हो सकता हो, जिसके पास भी ज़मीन हो इसमें के लगाएं और इससे उनकी जो है आर्थिकी सुदृढ़ हो सकती है। तो राजेश जी, आज आपने कीवी को लेकर बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज जो आज आपने जानकारी दी है वो भी इस ओर आकर्षित होंगे और अपनी आर्थिकी को ज़रूर बढ़ाएंगे और वो भी एक प्रगतिशील किसान बनकर एक दिन यहाँ पर ज़रूर उपस्थित होंगे। जी। तो कार्यक्रम में फिलहाल आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। नमस्ते।